वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और यार इस वक्त मैं ज़्यादा शोर नहीं कर सकता, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता, बिकॉज जो है अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो टाइम जो हो रहा है मैं आप लोग बताऊँ, इस वक्त जो हो रहा है वो 5:16 हो रहे हैं, ठीक है, सुबह के 5:15 बज रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त मैं ज़्यादा शोर नहीं कर सकता बिकॉज मेरे घर में सब सो रहे हैं, अगर ज़्यादा शोर बोलूँगा तो सबके उठने का खतरा है, ठीक है। सो यार मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा आज एग्ज़ाम है, सो उसी की तैयारी चल रही थी यार, मैं रात से लेकर बैठा हुआ था और कवर कर रहा था अपनी चीज़ें। सो मेरी तैयारी तो थोड़ी बहुत हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हुई है यार हो गई है, बस अब दुआ करो कि अच्छा पेपर हो जाए। सो यार ये सीन था, और अभी फजर का टाइम हो गया, फजर का टाइम हो गया और मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। सो मैंने वज़ू कर लिया, अभी नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी होगा वो आपको सब दिखाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त मैं बाहर आया हुआ था और लिटरली सुबह के वेदर की बात ही अलग होती है यार। यहाँ पे अजान हो रही थी और यहाँ पे अभी सिर्फ मौसम चेक करें, ये मतलब इतना सुकून है, इतना सुकून है कि मतलब गुड हो गया, गुड हो गया। यार सीन्स को जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के तैयार हो चुका हूँ, ठीक है, आप मेरा आउटफिट देख सकते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के तैयार हो चुका हूँ। और एज यू गाइस नो के अगर आप पूरी रात जागो तो कॉफ़ी आपके लिए मैंडेटरी होती है, और कॉफ़ी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, सो कॉफ़ी गेट हजम। सो ये सीन है, मैं कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ और मेरी यूँ ही स्टार्ट होने वाली हूँ, तो मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली, सो मुझे यूनिवर्सिटी ही पहुँचना है, तो अगर होगा तो वहाँ जाकर आपसे मिलेंगे, वरना तो आप लोग आगे का स्केड्यूल चेक करते रहे और हम लोगों को बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे। तो यार सीन ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए हैं, हमारी आज दो क्लास थी और हमारा पेपर भी था। पेपर कैसा हुआ? बहुत बुरा, हालात बड़ी नासाज है। क्यों भाई? पता नहीं यार, दो क्वेश्चन पेपर आए थे, गलती कर दी, मुश्किल वाला उठा लिया। भाई ये मूवी उनके पास दो पेपर की चॉइस थी, लेकिन उन्होंने मुश्किल वाला उठा लिया और मेरा पेपर यार एवरेज हुआ, अच्छा हुआ, इतना बुरा भी नहीं हुआ और इतना अच्छा भी नहीं हुआ। मजाक कर रही है? नहीं भाई, जैसा हुआ है वैसा हुआ है यार, ठीक है। तो अभी हम लोग घर जाके आप लोग से मिलते हैं, तो यहाँ पे बहुत धूप है और व्लॉगिंग करने जैसा नहीं है भाई वहाँ का, तो घर जाते हैं और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तो यार मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हो गया था और मैं घर पे आ गया था, ठीक है, मैंने लंच वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं थोड़ी सी नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं सोने के लिए चल गया था। मैं सो के जस्ट अभी आप लोग मेरी आँखें देख ली होंगे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं अभी सो के उठाऊँ। हाँ यार मैं अभी सो के उठाऊँ, ठीक है, और आई हैव माई टी सही है। तो यार अभी ये फिनिश करते हैं, बिकॉज मैंने ना अभी एडिटिंग भी नहीं किया, मुझे एडिटिंग भी करनी है और एडिटिंग करने के बाद तो आज को जो ब्लॉग है वो भी शूट करना है। सो बहुत सारी चीज़ें आप लोग कनेक्टेड रहे, हम लोग अभी एडिटिंग भी करेंगे और अभी वो भी करेंगे, शूटिंग भी करेंगे, मतलब अभी हम लोग जिम भी जाना है। यस वी आर बैक टू जिम, अभी हम लोग जिम भी जाएंगे। सो जिम जगह आप लोगों से मिलते हैं, जिम जाके तो नहीं मिलेंगे, खैर वहाँ का मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट्स दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ वहाँ प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बिकॉज यार जिम जाने का रिकॉर्ड करने का प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार कैमरा सेट करो और फिर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती, एंड आई वॉन्ट माई प्रॉपर एक्सरसाइज ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। सो मैं वहाँ ज़्यादा शूटिंग नहीं करता, मैं एक दो शॉर्ट्स दिखा दूंगा यार, लेकिन मैं प्रॉपर पूरा मतलब ब्लॉग शूट नहीं करूँगा वहाँ पर। सो फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो यार सीन्स को जैसे हैं कि क्या कहते हैं अपना, मैं बेसिकली मुझे जिम जाना था, मैं रेडी भी हुआ था जिम जाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये तो आ गई थी कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था। सो मैं जिम नहीं जा सका बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और अभी इस वक्त 10:15 बज गया, थोड़ा लेट हुई और मैंने एडिटिंग भी नहीं किया, इसलिए जो पिछले कल वाला व्लॉग है जो मुझे आज अपलोड करना है वो थोड़ा लेट आएगा, जिसकी स्टोरी आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। अगर इंस्टाग्राम, अगर आप लोगों के पास मेरा इंस्टाग्राम नहीं है तो नीचे लिंक है उसका, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करें, ठीक है, और क्या कहते हैं ताकि साहब के आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी ब्लॉग की, ठीक है। सो अभी सीन्स को जैसे हैं कि मैं घर में था, मैंने बोला यार घर में बहुत एडिटिंग हो गई, सो मैं जा रहा हूँ कैफ़े, मेरे साथ यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई ने मैं ज्वाइन किया, तो मैं कैफ़े जा रहा हूँ और कैफ़े जाके एडिटिंग भी करेंगे और जो भी सीन्स होगा आप लोग को बताएंगे। सो यार हम लोग ऑन द वे हैं और हम लोग सर कैफ़े जा रहे हैं, और यूसुफ भाई ने मुझे बताया कि इस वक्त हमें फैजान भाई भी ज्वाइन कर रहे हैं,
ओके अभी हम लोग जा रहे हैं फैजान भाई को पिक करने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं फैजान भाई को पिक करने के लिए राइट। अभी हम लोग वहाँ जाते हैं और आराम से मिलते हैं और देखते हैं हम लोग जाएंगे कैसे, बिकॉज हमारे पास एक बाइक है ठीक है, कराची की नेशनल डॉग होते हैं आपको पीछे पड़ जाते हैं अगर आप मुझे तंग करते हैं। सो भाई आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलो आप मेरे ब्लॉग में आए हो काफ़ी टाइम बाद, यू हैव टू स्पीक सम बोलो जवाब। ये क्या है भाई यार, चलो अभी अंदर जा रहे हैं यार, मुझे एडिटिंग भी करनी है, आई होप सो आप एडिटिंग स्कूल से हो जाए, तो जब आपके साथ आपके दोस्त हो गए ना तो एडिटिंग करना क्या हर काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आप तफ्तियों में इतने लगे हुए होते हो, तो देख कर क्या सीन लगता है यार। सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम लोग गए थे फैजान भाई को पिक करने के लिए ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे दोस्त की नेचर में होता है कि आपको वेट कराना, हमने वेट किया फैजान भाई अनअवेलेबल थे उस वक्त, उन्होंने हमारी कॉल किया भाई हम लोग आए थे, देखिए फैजान भाई ब्लॉग देखे होंगे, हम लोग आए थे आप नहीं आए ठीक है, तभी हम लोग जा रहे हैं कैफे ठीक है, वहाँ जाते हैं आपसे मिलते हैं और आप लोग वहाँ के सीट्स चेक कराते हैं क्या सीट है क्या सीट नहीं है। हमारे पास ऑर्डर लेने के लिए भाई आए थे ठीक है, सो उनको हमने बोला यार हमारे पास मेन्यू, हमने मेन्यू मंगवाया और मेन्यू देखने के बाद हमने उनको बोला यार आप ड्रिंक्स लेकर आ जाए ठीक है, सो वो हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आ गए ठीक है, और मतलब हमने जब उनको बोला कि यार आप हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आ जाए, सो ही वॉज लाफिंग राइट, वो हमें देख के हंस रहे थे कि यार उनको लग रहा था कि यार हमारे पास पैसे नहीं है ठीक है, हमारा रीज़न ये था कि यार हमारा दोस्त आ रहा है फैजान जिसका मैंने आपको बताया वो आ रहा है, तो यूसुफ भाई आप रेडी हैं ये हमें गरीब समझ रहे हैं ये उसको हंसते रहने थे भाई, वो हंसते रहे अच्छा लग रहा है, उसको हंसते रहते हो यार, देखो इंसान को हंसना चाहिए ज़िंदगी में, वो भाई हंसना तो अच्छी बात है ठीक है, हंसते रहने उनको भाई। हमारे पास फैजान भाई आ गए, इनके पास हम गए थे ठीक है, उस वक्त सो रहे थे, क्यों भाई क्यों यार, यूसुफ ने मुझे बोला था आधा घंटा वेट मत कराना, चैलेंज कर रहा था मुझे, आपको तो पता है चैलेंज कोई करता है तो फिर हम तो कराते हैं। यार फैजान भाई आ गए यार, फैजान भाई हमारे साथ एक सीन हो गया है, वो बंदा हम पे हंस के गया कि हम कोई ऑर्डर नहीं करते, अब आप देखें हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं आप देखें, जस्ट तू तो गया बेटे। चैलेंज कर रहा था हमें बंदा, क्या कह रहे हो भाई, वो बंदा हमें देख कैसे रहा था ना, देखो फैजान भाई आए यार हमारी थोड़ी गेम हो गई थी भी नहीं है, हाँ हमारी गेम हो गई थी उस बंदे ने हमें चैलेंज किया था, हम लोग ने सब मंगवा दिया और भी चीज़ आ रही है यार, देखो हल्के में नहीं जनाब कभी हमें, क्यों फैजान भाई एको ऑर्डर कर दी भाई हमारी, चलो यार अभी खा जाओ उसके बाद करते हैं। बस हम लोग यहाँ से फ्री हो गए और उस वक्त मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई, लेकिन एक बैड सीन हो गया है, मेरी फाइल करप्ट हो गई थी सारी चॉकलेट शेक वाली, सो इट्स ओके, छोटा व्लॉग बना था वो मैंने अपलोड कर दिया ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ से फ्री हो गए ठीक है, और अभी हम लोग जाते हैं घर जाके आप लोग से मिलते हैं, व्लॉग अपलोड करने हैं, अपलोड करने के बाद फ्री हो गए आप लोग से मिलेंगे, और यही था आज का व्लॉग। कराची की अच्छी बात यह है भाई, यार कराची की अच्छी बात यह है कि आप रात के 3 बजे भी अगर कहीं घूम रहे हो ना तो आपको ऐसा नहीं क्या रोड खाली दिखेंगे, देखें यहाँ पे सामने देखें हर तरफ गाड़ियाँ बाइकें दिखेंगी दिखेंगी, जो गाड़ी चेक की आपको रोज एल सी थ्री हंड्रेड सामने वो रहेगी गाड़ी राइट हैंड लाइट, हाँ तो यार अभी हम लोग जाते हैं, मैं कब से यही बोल रहा हूँ जाते हैं हम लोग जाते हैं तो यार क्या कहते हैं इस, अगर आप लोग ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ठीक है, पहला आइकन लाजमी दबाएं बोल के आपको अपडेट्स मिलती रहे, आने वाली हर अपडेट्स को क्या हो गया आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे ओके, और सही है यार स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ब्लॉग, और भी अच्छे अच्छे आगे ब्लॉग आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, और
स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलते हैं कल, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ, बस ना बने।